नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लैब न्यूज चैनल। जैसे जैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपने पार्टी को मजबूत करने में लगी और हर पार्टी अपने नए विकल्प को तलाश में लगी। तो वहीं आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी आप नई गठबंधन को करते हुए बहुजन समाज पार्टी और जनवादी पार्टी को अपने साथ लेकर अपनी पार्टी को मजबूत की है। तो वहीं आप देखना यह होगा कि उन्होंने अब दलित कार्ड खेला है और उन्होंने दलित उनके साथ कितने पक्ष में आते हैं और कितने उनको सरकार बनाने में मदद करते हैं। और उन्होंने साथ ही ऐलान यह भी किया है कि मैं हमारी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी चिंता का विषय तब भी था, आज भी है कि कैसे 15 वर्षों के नीतीश कुमार जी के कुशासन से बिहार को बाहर लाया जाए, क्योंकि बिहार की जनता चौतरफा परेशान है। नीतीश जी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 15 साल अपनी कुर्सी बचाने में नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जनता को भूल गए। नतीजा हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थोड़ी थी भी, उड़ते ही के राजकाल में सरकारी विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उड़कर चौपट हो गई। शिक्षा ऐसी चीज है जिस के माध्यम से ही गांव के गरीब घर के बच्चों की तकदीर बदल सकती है। अच्छी शिक्षा होगी, बेहतर शिक्षा होगी तो बेहतर इंसान बनेंगे। नौजवानों को भी अच्छा रोजगार तभी मिलेगा जब शिक्षा बेहतर उनको मिल पाए। तो नौजवान जो हमारे बिहार के रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकते रहते हैं, दलदल की ठोकर खाते हैं, 5000 रुपया की नौकरी उनको नहीं मिल पाती है, उसके पीछे भी बड़ा कारण है शिक्षा। अच्छी शिक्षा का बिहार में नहीं हो, इस तरह की स्थिति। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं, अनेक बार, आप सब लोग गवाह हैं, लगातार उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके मकान को जब्त करेंगे, उनकी जमीन को जब्त करेंगे और उनके मकान में विद्यालय खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कितने सरकारी विद्यालयों में आपने भी लखनऊ से डर कर कभी नौका पार नहीं होती और प्रशिक्षित करने वालों का यहाँ से डर करना है। हम तो अभी भी चाहते हैं भाई, अब हमने जब उतार दिया है वो हार्ट जरा जांच करवा ले, जिनका हार्ट मजबूत हो तो मेरे साथ नाव पर चले, उस पार पहुंचेंगे, और जिनका कमजोर हो वो उतर जाए, वो कमजोर जिनका है लोग उतर रहे हैं। बिहार में सभी सीटों और चुनाव के बाद किसको समर्थन, अगर चुनाव के बाद समर्थन एनडीए को, हम खुद जो गठबंधन हमारा बन रहा है, इसकी सरकार बनाएंगे हम, इसके लिए हमें गठबंधन बनाएंगे। नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए, और जो बेहतर विकल्प की हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसमें तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बाकी बहुजन समाज पार्टी के नेता और दूसरे नेता बोलेंगे, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, अब की बार शिक्षा वाली सरकार अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार इन्हीं नामों के साथ नाम में जाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इन्हीं मुद्दों के आधार पे चुनाव में हम जाएंगे और नया बिहार बेहतर विकल्प के साथ
बनाना चाहते हैं। 15 साल से विमुक्ति, 15 साल पुराना से विमुक्ति, 30 साल में बिहार रसातल में पहुंचा। बिहार के लोगों से आग्रह होगा कि 5 साल दीजिए, हम 30 साल में रसातल में जिन लोगों ने पहुंचाया है, हम उससे अलग बिहार को, अच्छा बिहार, नौजवानों को रोजगार देने वाला बिहार, गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा वाला बिहार बनाने का काम करेंगे। यही अब रामजी गौतम जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। दोनों हाथ से खजाना को लूटते थे पहले वाले 15 साल वाले। नीतीश कुमार जी ने तरीका थोड़ा बदल दिया, माध्यम बीच में अधिकारियों को, दूसरे लोगों को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन लूट इनके राज्य में भी उससे भी ज्यादा और बढ़ी। भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो गया, सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए हुए न एक काम पहले होता था और न नीतीश जी के राज में। तो चाहे विकास का मामला हो, अस्पताल में डॉक्टर नदारद, बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं। कोई गंभीर बीमारी हो जाए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। 15 वर्षों में एक पीएमसीएच जो बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल गरीबों के लिए है, उसकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई, तो बाकी आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि एक अस्पताल और एक विद्यालय आप बताइए 15 वर्षों में जिसको मॉडल के रूप में आपने ठीक किया हो, बनाया हो, और आगे के लिए फिर जनता के बीच आप घूम रहे हैं, वो आप बताइए यही मॉडल स्कूल हमारा है एक विद्यालय, यही मॉडल अस्पताल मेरा है एक अस्पताल, जिस तरह का अस्पताल अगले 5 वर्षों में, जिस तरह का विद्यालय अगले 5 वर्षों में हम और बनाएंगे। एक ही नहीं, हर मोर्चा पर लॉ एंड ऑर्डर का भी वही सिचुएशन है, हर तरफ हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, खास करके जो दलित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उपेक्षित वंचित लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ उसी तरह का अत्याचार चौतरफा। तो दोनों कुल मिला जुला कर पिछले पहले वाले 15 साल और बाद वाले 15 साल वाले जो है, दोनों एक ही सीखे के दो पहलू बनकर रह गए हैं। बिहार की जनता, हमने कहा कि हम नीतीश कुमार जी से बिहार को मुक्त कराना चाहते हैं, और इसके लिए हमने कोशिश की महागठबंधन में कि महागठबंधन रास्ता बदले, नेतृत्व बदले, तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। के रहते हुए हम जब शिक्षा की बात करते हैं, आज जो शिक्षा की स्थिति है, आज युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, 15 साल पहले बहुत सारे लोग बच्चे होंगे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उसका सीधा क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। तो उससे मुक्ति के लिए हम चाहते थे कि परिवर्तन थोड़ा अपने में राष्ट्रीय जनता दल करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में आम लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार जी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी है ही, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एनडीए में और महागठबंधन में भी किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की राजनीति को भी कंट्रोल कर रही है, प्रभावित कर रही है। वरना राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से चल रहा है। आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के बीच कुछ न कुछ है मामला, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में तमाम जो उनके साथ सहयोगी लोग थे, जितन राम मांझी जी के साथ, बाकी और जनता के साथ, तो इनका यही रवैया चल रहा है। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती है, नया विकल्प चाहती है। नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ या पिछला जो 15 साल था वहां जनता फिर से वापस नहीं होना चाहती। और यही कारण कि नीतीश जी ने
जब कुछ नहीं किया तो आज अपनी उपलब्धि की चर्चा जनता के बीच कर। कुछ दूसरे दलों के भी नेता साथी उपस्थित हैं, उनमें से जो प्रमुख नेता है उनके बारे में मैं परिचय के तौर पे पहले आपको बताना चाहता हूँ। मेरे बगल में दाहिनी ओर रामजी सिंह गौतम जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार में इंचार्ज हैं, रामजी सिंह गौतम जी बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं, बिहार में इंचार्ज। मेरी बाई ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी तीनों पार्टी के बहुत सारे नेता यहां उपस्थित हैं। मित्रों, इसके पहले जब मैं आपसे मुखातिब हुआ था, मेरी पार्टी की मीटिंग थी 4-5 दिन पहले 24 तारीख को। उस दिन मेरी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया था अगला राजनीतिक कदम उठाने के लिए, आप जो भी राजनीतिक कदम उठाइए हम सब आपके साथ होंगे। आम भावना उस दिन थी, तब तक हम लोग महागठबंधन के हिस्सा थे, तो इसलिए मेरी पार्टी के अधिकांश लोगों की भावना थी कि जिस रूप में महागठबंधन चल रहा है, इस रूप में अगर हम चलते रह गए तो बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी बैठकर बिहार को रसातल में पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैया से बिहार को हम मुक्त नहीं करा पाएंगे। महागठबंधन जिस रूप में चल, कैमरा पर्सन के साथ रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।